बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पालक और गोश्त। 3 किलो पालक साफ करके इसको बॉयल कर लिए, तकरीबन आधा किलो गोश्त है उसको फ्राई करके बॉयल कर लिए। जो जो इसमें मसाले डालेंगे, नमक 1 भरा हुआ चम्मच, सुर्ख मसाला 2 छोटे चम्मच भरे हुए, सूखी धनिया 1 बड़ा चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच छोटे। अब इनको पहले फ्राई करते हैं, जो कि इधर घी गरम करने के लिए मैंने रख दिया है। हल्का ब्राउन हो जाए इसमें फिर टमाटर डालेंगे, 3 अदद जो कि काट के रख लिए हैं। अदरक और लहसुन ब्राउन हो चुका, अब इसमें डालेंगे 3 बड़े साइज के टमाटर और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें जो कि ग्राइंड कर ली हैं। अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे, कुटी हुई मिर्चें, कुटी हुई धनिया और नमक। अब इसको 5 मिनट फ्राई करके पालक डाल देंगे, उसके बाद 30 से 25 मिनट ढाँक के रख देंगे ताकि पालक का पानी खुश्क हो जाए। मिलते हैं 20 मिनट बाद। पालक का पानी खुश्क हो गया है, अब इसमें गोश्त डाल देंगे, फिर मज़ीद 10 मिनट फ्राई करेंगे गोश्त डालने के बाद। छोटी 1 प्याली दही की डाल देंगे, पालक का पानी खुश्क हो गया, बस 1 से 2 मिनट फ्राई करके तो ये तैयार हो जाएगी पालक और गोश्त। आप भी इसी तरह बनाएं, जरूर ट्राई करें। गोश्त पालक तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।